अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। गाइस, आज मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट मेडिकल। जो लोग एम्प्लॉयमेंट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं दुबई में, उन लोगों का एक मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट होता है एमिरेट्स आईडी और वीज़ा आने से पहले, कच्चे वीज़े के बाद और एमिरेट्स आईडी और पक्का वीज़ा आने से पहले। मेडिकल में क्या लेते हैं, मेडिकल कहाँ होता है और कैसे होता है, मैं फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो बहुत छोटी सी होगी लेकिन आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम दुबई आ रहे हैं और उनके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे आ रहे हैं, या वो लोग ये चाहते हैं कि हम विजिट वीज़े से एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे जब आएँ तो हमें पता होगा हमने क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। जैसा कि मैंने कल आपको अपनी वीडियो में बताया था कि भाई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैसे आता है, एचटीएमबी नंबर क्या होता है, लेबर कार्ड क्या होता है, कच्चा वीज़ा क्या होता है, चेंज स्टेटस क्या होता है और मेडिकल की जो शीट आती है, जो पेपर आता है, वो क्या होता है। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरी पहले की वीडियो देख लें, उनको समझ में आ जाएगा। और जो लोग मेरी इस चैनल पर न्यू है, मैं काइंडली उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और जिसको ये इन्फॉर्मेशन से कुछ हेल्प मिलती है तो आगे दोस्तों में शेयर करें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि मेडिकल में क्या लेते हैं। कच्चा वीज़ा तक आ गया आपका, अब आप मेडिकल के लिए जाओगे। अब मेडिकल के लिए 18 सेंटर हैं दुबई में। बेसिकली ये वहाँ बंदे को ट्रांसफ़र करते हैं जो जिस बंदे का ऑफिस करीब होता है। तो मैं गया था अल नादा मेडिकल सेंटर में मैं गया था। स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है, उसके साथ अल नादा का मेडिकल सेंटर बना हुआ है। अब जिसका वहाँ पड़ता है वो मुझसे पूछ सकता है, बाकी जिसका कहीं भी पड़ता है तो वो जहाँ जाना चाहे, वो मतलब जहाँ उसका पड़ेगा वो वहाँ जाए। क्या लेते हैं टेस्ट में, एक सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन क्या लेते हैं, आपका पासपोर्ट, जो मैंने कल एक आपको शीट दिखाई थी, पेपर दिखाया था जिसके ऊपर मेरी पिक्चर बनी हुई थी, मेडिकल का नंबर लिखा हुआ था, मेरा पासपोर्ट नंबर है, मैं किस ऑफिस में काम करता हूँ, मेरी पोस्ट क्या है, मेरी सैलरी क्या है, हर चीज़ उसके ऊपर लिखी हुई थी वो। ये दो पेपर, आपका वीज़ा और आपका चेंज स्टेटस का जो पेपर आता है, कच्चा वीज़े का पेपर और चेंज स्टेटस का पेपर, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट भले किसी भी कंट्री के हो, और आपका वो जो पेपर जो मैंने आपको दिखाया था, मेडिकल का जो आता है पेपर जिसपे आपका मेडिकल टेस्ट होता है। अच्छा, जब आप वहाँ जाएंगे आपका यहाँ से वो खून निकालेंगे, आपका यहाँ से पहले वो निकालेंगे खून निकालेंगे और फिर आपका दूसरा टेस्ट जो होगा, पहला टेस्ट होता है खून निकालेंगे आपका यहाँ से या फिर यहाँ से, सही है। दूसरा टेस्ट आपका लेंगे छाती का टेस्ट लेंगे, वो अंदर बहुत बड़ा कमरा होता है, वहाँ आपको लेके जाएंगे, शर्ट आपको निकालनी पड़ेगी अगर आदमी है। फीमेल का कैसे होता है वो वही बताएंगे क्योंकि मुझे फीमेल्स का नहीं पता। वहाँ जाएंगे और आपकी शर्ट को निकालेंगे, आपको बोलेंगे इस मशीन को हक करो, उस मशीन को आप हक करोगे तो वो आपकी जो एक्सरे होता है वो यहाँ से निकाल लेंगे चेस्ट का। मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लगते हैं, पूरे 2 मिनट डॉक्यूमेंट सबमिट करने में लगेंगे, उनको सिर्फ चेक करने में कि ये जो बंदा आया है ये रियल है या नहीं है। दूसरा आपका खून निकालने में 1 मिनट और 1 मिनट आपका छाती का टेस्ट लेंगे, सब हो गया। अब ये चेक क्या करते हैं, बेसिकली ये चेक क्या करते हैं, ये चेक करते हैं भाई हेपेटाइटिस ए बी सी, तीनों चेक करते हैं ये, माफ़ी नहीं है यहाँ पे। दूसरा टीबी तो सबको पता होगा, जिसमें छाती का टेस्ट होता है, जिसमें आपके ये पूरा जो छाती होता है ये आपका आ रहा होता है। तीसरा एचआईवी एड्स। अब अगर हेपेटाइटिस ए बी सी है आपको, अल्लाह ना करे किसी को हो, लेकिन अगर खुदा ना खासा किसी को है तो पहले अपना इलाज करा ले, अपने मुल्क से वहाँ सस्ता पड़ता है। यहाँ अगर खुदा ना खासा आपकी तीनों में से कोई एक चीज़ भी पॉजिटिव आ गई तो आप मेडिकल आपका फेल हो जाएगा और आपको ये डिपोर्ट कर देंगे, आपकी एक बात भी नहीं सुनेंगे, यहाँ पे बोलेंगे एचआईवी एड्स का तो कोई इलाज ही नहीं है ना भाई, बीमारी एक बार लग गई तो फिर वो लग गई। दुबई में जीरो कॉम्प्रोमाइज है, अगर आपके अंदर कोई एक बीमारी भी पाई गई या आपको डिपोर्ट कर देंगे। या अगर आप बहुत रिच फैमिली से हो तो एचआईवी का तो कोई इलाज नहीं है, हाँ हेपेटाइटिस ए बी सी का इलाज है, उसमें 1 साल का वीज़ा देते हैं, उस 1 साल के वीज़े में अब आप अपना इलाज भी करवाओ, अपना जॉब भी ढूंढो और जॉब भी करो और अपना इलाज भी करो, अगर 1 साल में आप रिकवर कर जाते हो तो ठीक है, वरना तो फिर आपको डायरेक्ट डिपोर्ट कर देंगे। और उस 1 साल में ही आपको चेक करते रहेंगे हर महीने आगे कि आप मेडिकल सेंटर जा रहे हैं, अपना टेस्ट करवा रहे हैं, आपका जो इलाज है वो चल रहा है या नहीं। यहाँ दुबई में माफ़ी नाम की चीज़ नहीं है भाई, या पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश नहीं है कि जहाँ 2 पैसे देके आप अपनी रिपोर्ट चेंज कर लोगे, यहाँ जीरो कॉम्प्रोमाइज करते हैं ये लोग, तभी दुबई इतना सेफ है, इतना साफ है। पूरा दुबई, पूरा यूएई, सिर्फ दुबई की बात नहीं कर रहा, यूएई, भले वो आप वैसुल खैमा से भी जाके करवाओगे तब भी यही चीज़ें चेक होंगी, आप अबू धाबी से भी करवाओगे तब भी यही चीज़ें चेक होंगी, कहीं भी पॉजिटिव आ गया अल्लाह ना करे तो आप रिपोर्ट करोगे डायरेक्ट। तो सबसे बेहतरीन हल है आप लोगों का भाई, जब भी आप अपने मुल्क से पाकिस्तान से इंडिया से बांग्लादेश से कहीं से भी आप यहाँ आते हो जॉब का सोच के, ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़े के लिए मेडिकल होता है, विजिट वीज़े के लिए मेडिकल नहीं होता। विजिट वीज़े तो आप 3 महीने का वीज़ा लेके आ जाओगे, घुमा फिरा खाया पिया निकल के वो ठीक है, लेकिन आप अगर जॉब का सोच के आते हो तो आपको अपना पहले मेडिकल टेस्ट अपनी होम कंट्री से, क्योंकि वहाँ सस्ता होता है, वहाँ से आप ओरिजिनल किसी अच्छे हॉस्पिटल जाके प्राइवेट या हुकूमत का, अगर आपको हुकूमत वाले पे यकीन है तो आप वहाँ जाओ, उनको अपनी 3 टेस्ट करा लो, हेपेटाइटिस ए बी सी, आपका टीबी
और आपका एड्स, HIV/AIDS, ये तीन टेस्ट करा लेना आपने। अगर ये वहाँ नेगेटिव आते हैं तो अल्लाह का नाम लेके दुबई आ जाना, अगर वहाँ एक भी कोई पॉजिटिव आ गया तो वहीं रुक के पहले उसका इलाज कराना और उसके बाद कहीं जाना। मेडिकल टेस्ट सिर्फ दुबई के लिए या UAE के लिए नहीं है, गल्फ कंट्री कहीं भी जाते हो, सऊदी या कतर, दुबई, कतर या UAE या किसी और गल्फ कंट्री में भी जाते हो तो वहाँ भी यही तीन चीज़ों को चेक करते हैं। इसके अलावा अगर आप यूरोप कहीं जाते हो वर्क के लिए तो उसके लिए भी यही चेक करते हैं। लेकिन जब भी आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में किसी और कंट्री में ट्रैवल करें तो अपने लिए सबसे पहले मेडिकल देख लें कि आप मेडिकली फिट हैं या नहीं। जो लोगों का मेडिकली फिट आ जाता है दुबई में, जैसे मेरा आया, अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होती है रिपोर्ट, देखें मेरी पिक्चर है, ठीक है, मैं खुद हूँ ये, और ये लिखा हुआ है फिट, ठीक है, ये देख लें, ये आप देख लें, चाहे तो वीडियो को रोक लें और जूम जूम करके देख लें। ये होता है मेडिकल, मेरा अल्लाह का शुक्र है मेडिकल फिट आया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में मेडिकल करवाया ही नहीं था। मैंने यहाँ आया, मुझे मालूम चला कि एम्प्लॉयमेंट वीज़े के लिए मेडिकल भी चाहिए होगा, तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, अल्लाह का नाम लेके मैंने मेडिकल भी करवाया। तो अब गाइस, जो लोग फर्स्ट टाइम दुबई आ रहे हैं जॉब करने के लिए, उनको नहीं पता, तो भाई सबसे पहले अपने मुल्क से ही आप मेडिकल करवा लें, उसमें आप ही का फ़ायदा है। यहाँ आके कुछ भी चीज़ पॉजिटिव आ गई तो रोने धोने का फ़ायदा नहीं है, ये डायरेक्ट आपका सामान पैक कराएंगे, आपके साथ आपका पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, सीधा सीधा आपको एयरपोर्ट छोड़ेंगे, फ्लाइट में भी खुद बिठाएंगे और सीधा बोलेंगे पाकिस्तान या इंडिया, जहाँ का भी, वहाँ उसको छोड़ के आओ, ख़त्म हो गई बात। तो गाइस, इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि वो लोग जो फर्स्ट टाइम दुबई आ रहे हैं जॉब करने के लिए, UAE आ रहे हैं, तो उनको ये पता हो, या कहीं और किसी और गल्फ कंट्री में जा रहे हैं तो उनको ये पता हो कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी हैं। तो गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक नया टॉपिक लेके आऊँगा, टॉपिक मैंने सोचा नहीं है, नया टॉपिक मैं लेके आऊँगा, क्या लेके आना है, क्या मैं आपको एक नई इन्फॉर्मेशन दूँ। तो गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से। किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आपको, नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है भाई, वीज़ा अप्लाई करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लो, मैं आपको रियल, मैं आपको कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ये रियल इन्फॉर्मेशन है, चाहो तो किसी से भी जाके पूछ सकते हो जो बंदा रियल हो, ठीक है, मैं कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देता। कोई भी किसी को लगता है कि मैं फेक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो नीचे नंबर दिया हुआ है मेरा, व्हाट्सएप नंबर मेरा अपना है, मैं दुबई में रहता हूँ, मेरा अपना नंबर है, ईमेल मेरी अपनी है। हाँ भाई, ईमेल को मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता जितना मैं व्हाट्सएप को लेता हूँ, क्योंकि ईमेल में चेक नहीं करता, सिंपल सी बात। आप आज ईमेल करोगे, मैं एक हफ्ते बाद आंसर दूंगा तो आपसे बोलोगे यार ये तो ऐसे ही है, सिंपल तरीका है, मैं ईमेल चेक नहीं करता इतनी जितना मैं व्हाट्सएप चेक करता हूँ। मुझे व्हाट्सएप पे बात करो, मुझे व्हाट्सएप पे जो आपको मालूम चाहिए मैं आपको दूंगा, कोई इशू नहीं है। अप्लाई करने से पहले एक बार मुझसे ज़रूर पूछ लेना भाई कि हम अप्लाई करने जा रहे हैं, ये ना अप्लाई कर लो फिर वो बंदा आपका पैसा खा जाए, वीज़ा ना मिले, ये वो, तो ये सब चीज़ें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, असल में रूम का AC बंद है, AC ख़राब है मेरे फ्लैट का, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का बहुत ख्याल रखिए, अपने मुल्क सब मुल्कों के लिए, सब लोगों के लिए दुआ कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसमें एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।